everyone. Thank you for joining me, and hope you all are doing good in this lockdown and taking best care of your health. I have something to say here today. I don't know how many of you are taking this vocal for local thing seriously, but personally, I'm so much serious about it. मैं हमसे कुछ भी नया बाय करूंगी तो आई विल मेक श्योर कि वो मेड इन इंडिया होगा, अगर वो प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में बनता है तो. तो अभी मैंने एक चीज़ देखी सोशल मीडिया पे, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब को लेके कुछ बातें चल रही हैं. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि अराउंड एक डेढ़ महीने पहले मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दिया था. अभी जब ये वर्सेस की चीज़ें दिखी तो मुझे शॉक लग गया कि टिकटॉक यूट्यूब के वर्सेस कैसे हो गया. आई मीन किसने किया ये? आई मीन देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू प्लेटफॉर्म्स, राइट? टिकटॉक एक ऐसी चाइनीज ऐप है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का टाइम बर्बाद करना है. कुछ लोग तो फिर भी ये कह रहे हैं, यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि टिकटॉक से उनको प्लेटफॉर्म से कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक बाकी एप्लीकेशन के जैसा ये भी एक एप्लीकेशन है. बट आप ज़रा शांत दिमाग से ये सोचिए कि टिकटॉक क्यों पॉपुलर हुआ. इंडिया की वो ऑडियंस है टिकटॉक पे जिनको शायद यू नो मोबाइल पे नंबर डायल ना करना आता हो, पर टिकटॉक चलाने के लिए वो लोग टच का मोबाइल लेके आए हैं. क्यों हुई है ऐप इतनी फेमस, इतनी पॉपुलर? क्योंकि इसका कंसेप्ट ही ये था, इसमें बैकग्राउंड वॉइस आएगी, उस पर आपको कुछ कुछ मिमिक करना है किसी सेलेब्स को, या फिर वो एक्सप्रेशन वाले वीडियोस जो बाद में काफ़ी फेमस हो गए थे. इमेजिन दिस, एक लड़की जिसकी अपना करियर बनाने की एज है, वो मुंह पे 3 घंटे मेकअप लगा के 2 घंटे टिकटॉक की एक परफेक्ट वीडियो बनाने के लिए आड़ा टेढ़ा मुंह करती रहती है. व्हाट शी इज गोइंग टू गेन फ्रॉम दैट टाइम? आई मीन अपने जैसे कुछ और टाइम पास ढूंढ रहे फॉलोअर गेन करेगी, दैट्स इट. इससे ना तो उसका बनाने वाली का कोई फायदा है, कोई मकसद हासिल नहीं हो रहा है, ना ही उस वीडियो को देखने वाले का. कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम फॉर दैट क्रिएटर एंड फॉर दैट फॉलोअर. और इसी तरह से ये चेन बढ़ती चली गई और टिकटॉक बन गई नंबर 1 एप्लीकेशन. अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की. यूट्यूब पे आप चैनल बना के पोस्ट करते हैं हम लोग, वो भी तो फ्री होता है ना, कोई भी कर सकता है. लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा नहीं कर रहा है जो टिकटॉक पे चल रहा है. क्यों? कुछ डिफरेंस है ना, तो ये समझने वाली बात है. यूट्यूब खोलते हो तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा स्क्रीन पे. वो आता है कंटेंट क्रिएटर्स से, क्योंकि क्रिएटर्स वहाँ पे पोस्ट करते हैं. ऐसे आड़ा टेढ़ा मुंह मटकाने को कंटेंट क्रिएशन नहीं कहते. तो ये जो वर्सेस वाली चीज़ है ये एक्चुअली में काफ़ी फनी है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट का पॉइंट भी नहीं है, दिस इज जस्ट सो फनी. आई जस्ट वंडर व्हेन टीनेजर्स एंड यूथ एंड इवन सो मच एज्ड पीपल आर डूइंग सो मच फनी थिंग्स ऑन दिस ऐप. जरा सोचो, माँ बाप ने अपने बेटे को पाला पोसा है, उससे कितनी उम्मीदें लगाई हैं कि बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन बेटा टिकटॉक की वर्कशॉप अटेंड कर रहा है, कि बैकग्राउंड में धुआं कैसे उड़ाऊं. तो ट्रस्ट मी, ये चाइनीज आपके और आपके बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत आसानी से खेल रहे हैं. मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस बात को पॉजिटिवली लें और गहराई से बैठ के सोचें, ना कि यू नो इस पे आर्ग्यूमेंट करें, कोई ऑपोजिट कमेंट्स पास करें. तो यही एक मकसद है, वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि शायद मुझे पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था कि अगर आप टिकटॉक चलाते हैं तो इस चाइनीज ऐप का बहिष्कार करें और खुद का टाइम बर्बाद होने से बचाएं. रही बात एक उस सेक्शन की कि जो अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो टिकटॉक पे तो जहाँ तक मैं समझती हूँ सारे अच्छे क्रिएटर्स ने इस ऐप को तब ज्वाइन किया या पोस्ट करना तब स्टार्ट किया जब देखा कि ये ऐप बहुत पॉपुलर हो गई है, यहाँ पे बहुत लोग हैं. तो क्रिएटर्स यू नो काफ़ी मेहनत करते हैं, स्मार्टली काम करते हैं, तो उन्हें यहाँ वो यहाँ भी पोस्ट कर रहे हैं बड़ी आसानी से. मैंने सुना है यहाँ पे फॉलोअर आ जाते हैं. आई एम वेरी मच श्योर जो अच्छे मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो मीनिंगफुल कंटेंट बनाते हैं, उनको इस ऐप की कोई ज़रूरत नहीं है. वो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे पहले भी अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे. तो मैंने अपना अकाउंट इसी वजह से अपना अकाउंट डिलीट किया था इस ऐप से 1 महीने में, क्योंकि यहाँ पे मुझे यही समझ में आया
90% क्रिएटर्स अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपनी ऑडियंस का भी. आई डोंट वॉन्ट टू बी ऑन दिस ऐप बाय माई पर्सनल चॉइस. इस पर 1 million फॉलोअर मैंने सुना है काफ़ी ईजिली हो जाते हैं. YouTube पे मेरे सिर्फ 1,000 या 1,100 ही फॉलोअर्स हैं एंड आई अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर एंड वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. डू गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन एंड टेक केयर अंटिल वी मीट अगेन.